अनुसूचित जाति के बालक एवं कन्या छात्रावास के 5 अधीक्षकों ने अनुपस्थित रहने एवं लापरवाही बरतने पर अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत 5 अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला संयोजक ने कहा कि अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक मिथिला प्रसाद पाठक विगत दिवस संयुक्त निरीक्षण के दौरान छात्रावास से अनाधिकृत रूप से विगत 5 दिवसों से अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान संस्था में छात्र भी अनुपस्थित पाए गए। अधीक्षक द्वारा नियमानुसार मेस का संचालन नहीं किया जा रहा है। संस्था परिसर में गंदगी पाई गई, परिसर में घास तथा कूड़ा मिला, शौचालय की साफ सफाई नहीं की जा रही, शौचालय का गेट टूटा पाया गया, छात्रावास में 8 छात्राओं को ही प्रवेश दिया गया है। शेष सीट आज भी रिक्त पाई गई। संस्था में लगे दोनों भृत्यों एवं मजदूर को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, जबकि उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास सिरमौर की अधीक्षिका कलावती साकेत नियमित निरीक्षक के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित अनुपस्थित मिली। छात्रावास में स्वीकृत सीट के अनुसार छात्राओं को 100% प्रवेश नहीं दिया गया। छात्रावास का संचालक सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। जिला संयोजक के निरीक्षण के दौरान अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सिमरिया की अधीक्षिका केस कली वर्मा संस्था से अनुपस्थित पाई गईं। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुंवर सिंह नट भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान केवल 2 छात्राएं संस्था में उपस्थित पाई गईं। छात्रावास में अधीक्षिका केस कली वर्मा द्वारा स्वीकृत सीट के अनुरूप 100% छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया और न ही उनका प्रोफाइल पंजीयन कराया गया। छात्राओं ने बताया कि उनको गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं दिया जाता। वित्तीय वर्ष 2021-22 की शिष्यवृत्ति के आय व्यय एवं बचत का विवरण छात्राओं को नहीं दिया जाता। छात्रावास की नियमित रूप से साफ सफाई नहीं कराई जाती है। उन्होंने अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पथरी की अधीक्षिका रहस्य कली शुक्ला को विगत दिवस निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई। साथ ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी लाल साके भी पिछले 3-4 दिनों से अनुपस्थित हैं। अधीक्षिका द्वारा निरीक्षण पंजी एवं उपस्थित पंजी अलमारी में ताला बंद करके रखी गई थी। अधीक्षिका द्वारा नियमानुसार मेज का संचालन नहीं किया जा रहा है। संस्था में पर्याप्त संख्या में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया। निरीक्षण के दौरान एक भी छात्रा उपस्थित नहीं पाई गई। अधीक्षिका द्वारा बिना कार्य के 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखा गया है, यह आपत्तिजनक है। जिला संयोजक ने बताया कि सिरमौर की अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती शांति वर्मा निरीक्षण के दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाई गई। छात्रावास में एक भी छात्र उपस्थित नहीं थी। जिला संयोजक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान छात्रावास से अनाधिकृत रूप से अधीक्षकों के अनुपस्थित रहने एवं छात्रावास का नियमानुसार संचालन न करने, लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर 5 अधीक्षकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया।